पहला सवाल मैं स्मृति तुमसे करना चाहूँगा, कैसा महसूस हो रहा है आज गोल्ड मेडल मिलने के बाद? ऑब्वियसली गोल्ड मेडल मिलना है तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। गवर्नर सर और वाइस चांसलर सर से मिलने के बाद और उनके हाथों से गोल्ड मेडल लेने के बाद लग रहा है कि हाँ, जो मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की वो सफल हो गई। सो ऑब्वियसली आई एम फीलिंग वेरी गुड। कैसा रहा सफर फ्रॉम SMS तुम्हारा जो सेंट मेरी स्कूल टू KIT एंड देन फ्रॉम KIT टू IIT? पेन मेरी स्कूल मेरा स्कूल था, मैंने अपने लाइफ के 14 ईयर्स वहीं पे बिताए जो कि ऑब्वियसली मिर्ज़ापुर में है, मैं वहीं से पढ़ी हूँ। और जैसे बोलते हैं कि बेसिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो मैंने जब फार्मेसी ज्वाइन किया, सो बहुत सारी चीज़ें थी लोगों को समझ में नहीं आती थी, लेकिन मुझे आती थी बहुत आसानी से। फर्स्ट ईयर तो मेरे लिए इट्स लाइक इट वाज वेरी इजी, मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी बिकॉज मेरे बेसिक्स क्लियर थे। और ऑब्वियसली इसका क्रेडिट तो ऑब्वियसली मेरे स्कूल को जाता है। मेरे जब मेरा एडमिशन हुआ आई वॉज नॉट हैप्पी, बट मेरी मम्मी बोलती थी देखना तुम जिस कॉलेज में तुम हो, तुम इस कॉलेज को नाम दोगी, ये कॉलेज तुम्हें नाम देगा। एंड सी नाउ आई एम कनेक्टेड टू KIT एंड KIT इज़ कनेक्टेड टू मी, लाइक स्मृति एंड KIT दे आर मेड फॉर ईच अदर। सीरियसली जितना फेम और जितना सपोर्ट जितना मुझे इस कॉलेज से मिला, जितना नॉलेज मुझे शायद प्राइवेट कॉलेज में पढ़ के मिला है ना यार, उतना मुझे कहीं और पढ़ के नहीं मिलता। क्योंकि मेरे टीचर्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा उनका सपोर्ट था मेरे, मैं उनका आशीर्वाद था, मैं बोलूँगी उनका आशीर्वाद था मेरे ऊपर। 81% से 90% का जो सफ़र था उसमें मेरे पेरेंट्स के साथ साथ जो मेरे गुरु बोलूँगी मैं, मेरे गुरु जो थे, जिस तरीके से सपोर्ट किया है, जिस तरीके से गाइड किया है, मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं उनको थैंक यू बोलने का। इवन जब GPAT के एग्ज़ाम देने को मुझसे बोला जाता था, मुझे लगता था GPAT मैंने मेडिकल नहीं निकला, GPAT भी नहीं निकलेगा, बट मेरी मैम बोलती थी, ज्योति मैम उनका नाम मैं बोलूँगी, वो मुझे बोलती थी बेटा तुम्हारा ज़रूर निकलेगा। और सीरियसली मैंने निकाला नहीं, बहुत अच्छे रैंक से निकाला, 64 रैंक ऑल ओवर इंडिया, इट वॉज़ अ वेरी बिग थिंग। देन मुझे लगता था GPAT के बाद मेरा MPharm कहाँ से होगा, यू नो IITs तो मैं तो बड़े अच्छे कॉलेज के लोग जाते हैं, मुझे तो बोलते थे तुम तो KIT को हो, तुम्हारा नहीं होगा। बट इवन IIT का एग्ज़ाम दिया तो मेरा 12th रैंक था, यू नो ओवरऑल रैंक 12th था एंड कैटेगरी रैंक 4 था। सो डू यू थिंक कि कॉलेज डज मैटर, तुम्हारी हार्डशिप मैटर करती है, वर्क हार्ड दैट्स इट, विदाउट डिसिप्लिन डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन जो मेरे डायरेक्टर सर बोलते हैं उनसे मैंने सीखा है, तुम कुछ अचीव नहीं कर सकते। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू बी डिटर्मिंड टू वर्क हार्ड। मैं जब स्कूल में थी ना तो मुझे सर्टिफिकेट्स मिलते थे, कुछ चीज़ों में सर्टिफिकेट्स मिल जाते थे, बट आई यूज़ टू थिंक कि मुझे ट्रॉफी क्यों नहीं मिलता, मुझे मेडल क्यों नहीं मिलता। मैंने 14 ईयर्स स्पेंड किए थे स्कूल में, बट मिला नहीं, निकल गई 12 से। बट मैं जब KIT में आई मैंने सोचा था कि नहीं, यहाँ से तो कुछ करके ही जाना है। सो मैं यहाँ पे बहुत सारे जो इवेंट्स होते थे, को करिकुलर इवेंट्स होते थे, डांसिंग, एंकरिंग, यू नो मैंने हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया, नॉट इवन सिंगल थिंग मैंने कुछ छोड़ा होगा, मैंने हर एक इवेंट में हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट किया, फ्रॉम डांसिंग, यू नो पेंटिंग, डिबेट, यू नो एवरीथिंग। एंड पार्टिसिपेट नहीं, मैं तो विन भी करती थी, और मैंने एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया, मैंने जीता, देन मुझे खुद से सेल्फ मोटिवेशन मिला कि मुझे सेकेंड में पार्टिसिपेट करना है। सो मैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी, उसमें नहीं भी जीता कोई बात नहीं, विनिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पार्टिसिपेटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट बहुत सारे इवेंट्स में आई वॉज द विनर। सो मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप हुए, कॉलेज ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, यू नो बहुत सारे जो इवेंट्स होते जैसे अनुगूंज हो गया, ये चीज़ बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ था जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, उसको मैंने प्लेटफॉर्म बना के वहाँ से स्टार्ट किया। सो मैं कॉलेज के बाहर भी पार्टिसिपेट करती थी, इवन IIT BHU में मैंने बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया एंड आई वॉज विनर। सो आई थिंक कि जो प्लेटफॉर्म कॉलेज ने दिया है मुझे, मीन्स सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, सर्टिफिकेट से मुझे ट्रॉफ़ीज़ मिली, घर पे इतनी सारी मेरी ट्रॉफ़ीज़ पड़ी हुई हैं, देन वो ट्रॉफ़ीज़ से मुझे यू नो गोल्ड मेडल है आज मेरे गले में, जो कि मुझे गवर्नर सर ने खुद पहनाई। आई थिंक कि KIT इज़ हीरो फॉर मी, सीरियसली इट इज़ अ रियल लाइफ हीरो फॉर मी।